पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी ने शराब और नशाबंदी की मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन और अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे। पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी ने समाज के युवा वर्ग को नशे की गिरफ्त से मुक्त कर भयमुक्त समाज के निर्माण के लिए शराब और नशेबंदी की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी का कहना है कि आज देश का युवा वर्ग नशे में आकर आपराधिक प्रकरणों को अंजाम देता है। जिनके हाथों में पढ़ने के लिए किताबें होनी चाहिए, वो हाथों में बंदूक लेकर कॉलेज में प्रवेश करते हैं। इन सबसे निपटने के लिए हमारे समाज में शराब और नशाबंदी बहुत जरूरी है। शराब और नशाबंदी की मांग को लेकर पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के सामने धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। ये जो अभी हत्याएं हो रही है ना कॉलेज में, उसके विरोध में है, और जिसकी वजह नशा है। तो नशा अगर बंद हो जाए और जो ये दवाई कोरेक्स चल रही है, ये मेन उद्देश्य है, इसकी वजह से युवा भटका हुआ है।